खबर लखनऊ से है, जहां के पॉश इलाके हजरतगंज में 5 मंजिला इमारत भरभरा कर गिर गई। अब इस पूरे हादसे में उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में है। बिल्डिंग बनाने वाले यजदान बिल्डर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के निर्देश जारी किए गए हैं। एसपी विधायक शाहिद मंजूर के बेटे नवाजिश के नाम पर यह बिल्डिंग है। देर रात पुलिस ने विधायक के बेटे को मेरठ से हिरासत में लिया। अलाया अपार्टमेंट के नाम से 5 मंजिला बिल्डिंग बनाई गई थी। बताया यह भी जा रहा है कि एसपी सरकार में मंत्री रह चुके शाहिद मंजूर की पोती का नाम अलाया है और इसी नाम से यह बिल्डिंग थी जिसका निर्माण 15 साल पहले किया गया था। यह हादसा कल शाम 6:30 बजे के करीब हुआ। एनडीआरएफ एसडीआरएफ और सेना की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। फिलहाल हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है और बिल्डिंग की छत को काटकर लगातार रेस्क्यू भी जारी है। 15 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। राहत बचाव कार्य किया जा रहा है। मलबे में अब तक 14 लोगों को मलबे से सुरक्षित निकाला गया। सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भी भर्ती कराया गया और 3 लोगों के और फंसे होने की बात भी सामने आ रही है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। बीती रात यह हादसा हुआ और उसके बाद से लगातार छत काट के रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। लखनऊ में बिल्डिंग हादसे के बाद योगी सरकार एक्शन में आई। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने घटना पर दुख जताते हुए कहा कि हादसे में जो भी जिम्मेदार है उसको बख्शा नहीं जाएगा और दोषियों के खिलाफ जांच के बाद सख्त कदम भी उठाए जाएंगे। आपको बता दें कि एसपी विधायक के बेटे के नाम पर यह बिल्डिंग बताई जा रही है। ब्रजेश पाठक ने कहा कि ऐसी घटना फिर ना हो, इसको लेकर सरकार सख्ती से निपटेगी। इसके लिए जर्जर और अवैध निर्माणों की निशानदेही कर उन्हें गिराया जाएगा ताकि इस तरह के हादसों से बचा जा सके। ऐसे हम चिन्हित करेंगे और इस प्रकार के जो जर्जर इमारतें हैं या अवैध इमारतें हैं उनको जरूर चिन्हित करेंगे। दुखद घटना है ये। तो इसमें एक नाम आ रहा है जिस तरीके से पूर्व मंत्री, अभी इसको हम कोई पॉलिटिकलाइज नहीं करेंगे। ये घटना लोगों के जीवन से खिलवाड़ करने वाली है और हम लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने की अनुमति किसी को नहीं देंगे। सख्त कार्रवाई होगी, हम कह सकते हैं। हाँ, कड़ी कार्रवाई, जो भी दोषी होगा हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही हम कुछ कह पाएंगे, लेकिन इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और इस घटना में जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई। सरकार एक सख्त मैसेज इसके बाद देगी, क्योंकि हाँ बिल्कुल, हम सख्त मैसेज देंगे, सख्त काम करेंगे। मैसेज तो दूसरे विषय है, हम इसमें किसी को नहीं छोड़ेंगे। ब्रजेश पाठक को आपने सुना। वहीं लखनऊ बिल्डिंग हादसे में 15 लोगों को निकाला गया है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 2 लोग अभी भी फंसे हुए हैं जिन तक पाइप के जरिए ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है और बिल्डिंग को काटकर मलबा हटाकर उनको निकालने की कोशिश भी लगातार जारी है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ और सेना की टीमें मौके पर मौजूद राहत बचाव कार्य में लगातार जुटी हुई हैं। लखनऊ बिल्डिंग हादसे में 15 लोगों को निकाल लिया गया है, इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 2 लोग अभी भी नीचे फंसे हुए हैं जिनको ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है पाइप की मदद से और लगातार मलबा हटाकर उन्हें निकालने की कोशिश भी एनडीआरएफ एसडीआरएफ और सेना की टीमें कर रही हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। लखनऊ के इस अलाया अपार्टमेंट में 12 घंटे से ज्यादा हो गए हैं रेस्क्यू का काम जारी है। एसडीआरएफ एनडीआरएफ आर्मी के लोग हैं जो जुटे हुए हैं, जो लोग अंदर फंसे हैं। अभी तक इन 12 घंटों में 14 लोगों को अंदर से निकाला जा चुका है जिन्हें अस्पताल ले जाया गया है और 3 लोग अभी अंदर फंसे हैं। उनमें से 3 में से 1 से कुछ बातचीत हो रही है रेस्क्यू टीम की, कुछ उनका पैर हिल रहा है तो उनको निकालने की इस समय कोशिश की जा रही है और आर्मी के लोग भी हैं। यहाँ कटर्स लाए गए हैं, दीवार जो छत है उसको काटा जा रहा है, मलबा निकाला जा रहा है। बहुत ही मुश्किल काम है, धीरे धीरे इसलिए किया जा रहा है कि कहीं मलबा जो अंदर लोग फंसे हैं उनके सर पर ना गिर जाए। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मुश्किल काम है ये। कल जो बिल्डिंग गिरी, एक तरह से ताश का पत्ता, जैसे ढहते हैं ताश के पत्ते, उस तरह से पूरी ढह के एकदम से नीचे आ गई। अब ये कहा जा रहा है कि ये बिल्डिंग इलीगल तरीके से बनी थी और इसमें जो क्वालिटी है, आप पूरी बिल्डिंग देखेंगे तो इसकी क्वालिटी का अंदाज़ा लगेगा कि किस तरह से ये बिल्डिंग बनाई गई थी, कितनी कमज़ोर बिल्डिंग थी। अभी कहा जा रहा है कि इसमें नीचे बेसमेंट में कुछ खुदाई हो रही थी जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है। फिलहाल प्रशासन का पूरा ध्यान इस पे है कि जो लोग अंदर फंसे हैं उनको किसी तरह से बाहर निकाला जाए और अस्पताल पहुंचाया जाए।
तो मुश्किल ये देखिए, सामने कटर है, इसे काटा जा रहा है, जो ये छत है इसमें जगह जगह छेद करके वहाँ तक पहुँचने की कोशिश की जा रही है जहाँ लोग फंसे हैं। उधर NDRF के लोग हैं, वो मलबा नीचे से निकाल रहे हैं गड्ढे से। वहीं पर एक महिला का कुछ पैर की हरकत इस रेस्क्यू टीम को दिखी है और उनको निकालने की इस समय पूरी कोशिश की जा रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।